Hello friends, welcome to Education Shelf Live. I'm Dr. Riddhi Agrawal and I'm here with the first part of detailed analysis of biology portion of NEET 2019. तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि हम पेपर का एनालिसिस करेंगे तो हम बायो का एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं और आज इसका पहला पार्ट है. आज हम इसमें 20 क्वेश्चंस देखेंगे और उनको ये भी देखेंगे कौन से चैप्टर से आए हैं, कौन से स्टैंडर्ड से आए हैं आपके 11th से या 12th से, और मैं आपको जो उनकी क्लिप्स हैं वो भी दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ पे वो वाली चीज़ मेंशन कर रखी है आपकी एनसीईआरटी में. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. तो पहली बात तो ये कि जब भी आप लोग क्वेश्चंस पढ़ते हो तब हमेशा आपको उनको अंडरलाइन करके पढ़ना चाहिए या इस तरह से पेन ऐसे ले जाते हुए पढ़ना चाहिए जिससे आपको इनकरेक्ट और करेक्ट में जो है डिफरेंस पता चल सके. कई बार क्या होता है, हम इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पे टिक मार देते हैं, फिर हमें पता लगता है कि सारे ही करेक्ट थे, सिर्फ एक ही इनकरेक्ट था, तो ये चीज़ हो जाती है. इसलिए इनकरेक्ट या नॉट ट्रू इस तरह के जो आते हैं उन पर अच्छी तरह से या तो हमें उनको अंडरलाइन कर लो अच्छी तरह से या उन पर गोला लगा लो, तो आपको क्या है ईजी रहेगा. सो फर्स्ट है वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कोट. सेकेंड है वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. थर्ड है इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोट. एंड फोर्थ प्रायंस कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स. अब देखो मैं आपको आप जो एनसीईआरटी में हमारे मैटर लिखा हुआ है वो दिखाती हूँ. देखो ये हमारे वायरसेस के बारे में. वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स किलिंग द होस्ट. इसका मतलब क्या है कि वो दूसरों पे ही जिंदा रहते हैं. ठीक है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है लिविंग सेल के बाहर, जैसे ही वो किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तभी वो लिविंग हो पाते हैं. तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया कि वायरसेस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ती ही है. ऑब्लिगेट मतलब नेसेसिटी जो है उनकी वो. तो ये हो गया हमारा वायरस. अब दूसरा वायरस के बारे में स्टेटमेंट क्या है, इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोड. तो देखो यहाँ पे लिखा है इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल दैट कुड बी इधर आरएनए और डीएनए बट नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए. तो ये वाला जो आपका सेंटेंस है ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है कि क्या किसी वायरस में दोनों होते हैं आरएनए और डीएनए. तो ये भी बन सकता है, इस बार तो नहीं आया, हो सकता है एम्स में आ जाए, किसी और एग्जाम में आ जाए, अगले साल आ जाए. नाउ अ वायरस इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन एंड जेनेटिक मटीरियल इज इन्फेक्शियस. तो वायरस जो है न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, उसका जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है. और हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो प्रोटीन कोट होता है, तो ये गलत हो गया. थर्ड हमारा जो है वो है वायरॉइड्स के बारे में. तो वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कोट, तो इसके लिए भी हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है. ये देखो वायरॉइड्स वाला जो चीज़ है उसमें इन 1971 टीओ डाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, इट लैक्ड द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस, हैंस द नेम वायरॉइड. तो ये फ्री आरएनए था, इसमें प्रोटीन कोड नहीं था जैसा वायरसेस में मिलता है हमें, इसलिए इसका नाम वायरॉइड रखा गया. तो जो आरएनए होता है वायरॉइड का वो बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है. और एक और बात, जो वायरॉइड्स हैं वो कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. तो ये बात भी ध्यान रखनी है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए. ठीक है, तो हमारा जो ये पार्ट था कि वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कोट, ये भी करेक्ट हो गया. अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रायंस कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स. अब देखो प्रायंस जो है आपकी पुरानी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स पढ़े थे जो मैंने अपडेशन वाले लेक्चर्स बताए थे तो उसमें प्रायंस जो है ऐड किया गया, ये कंटेंट ऐड किया है प्रायंस पे. तो इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टेड ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन. तो ये जो अपडेट्स आई थी उसमें से ये पहला क्वेश्चन आया है हमारा कि मॉडर्न मेडिसिन में कुछ ऐसे इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज हैं जो कि ऐसे एजेंट के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं जिस एजेंट के पास एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, और इन एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रायंस. और इसकी डिजीजेज जो है वो आपको ध्यान रखनी है, आपके एम्स के एग्जाम में आ सकती हैं, क्योंकि एम्स का थोड़ा सा जो नीट वाला होता है उससे थोड़ा ऊपर आता है एम्स का एग्जाम, लेवल थोड़ा हाई होता है. तो कौन कौन सी डिजीज करती हैं ये, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी दैट इज बीएसई, जिसको हम मैड काउ डिजीज बोलते हैं, और उसका एनालॉगस वेरियंट है ह्यूमंस में क्रूट्सफेल्ड जैकॉब डिजीज, जिसको CJD बोलते हैं. तो ये बात ध्यान रखनी है. तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, ये वाला, क्योंकि इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वायरस में वो प्रोटीन कोट नहीं होता, वो होता है उसका जेनेटिक मटीरियल. ठीक है, बहुत ईजी है, बिल्कुल अपना पूरा एनसीईआरटी से उठा के आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूरीज फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर. अब ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हमें पता है जो प्यूरीन्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, एडेनिन और गुआनिन, और जो हमारे पाइरिमिडीन्स हैं वो कौन कौन से हैं, तीन हैं, थाइमीन
साइटोसिन और यूरेसिल, जिसमें से थाइमिन और साइटोसिन जो है वो डीएनए में होते हैं और साइटोसिन और यूरेसिल जो है वो आरएनए में होते हैं। तो इसमें पाइरिमिडिन्स नहीं पूछा कि उसमें आप कंफ्यूज हो जाओ, सिंपल प्यूरिन्स पूछा है। तो प्यूरिन्स कौन से? हमारे एडेनिन और ग्वानिन, और ये दोनों ही डीएनए में भी ये दोनों ही होते हैं और आरएनए में भी ये दोनों होते हैं। बस जो हमारे पाइरिमिडिन्स है उसमें डिफरेंस आता है, क्योंकि जो डीएनए होता है उसमें थाइमिन होता है, जबकि जो हमारा आरएनए होता है उसमें यूरेसिल आ जाता है, साइटोसिन उसमें भी रहता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एडेनिन एंड ग्वानिन। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इज इंसुलिन डिपेंडेंट। तो देखो ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के स्कोप से बाहर था। हो सकता है आप लोगों के जो आप कोचिंग्स में जाते हो वहाँ पे आपके किसी मॉड्यूल में ये पढ़ाया हो, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं था। एनसीईआरटी में सिर्फ जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है उसमें ग्लूट फोर के बारे में सिर्फ ये दे रखा है दैट इट इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, बस इतना सा दे रखा है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि इनमें से कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो ये ध्यान रखने की बात है, ये आप रट लो अगर अभी तक, हो सकता है आगे किसी और एग्जाम में आ जाए, या अगर आपका इस साल सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर कोई किसी चीज़ में काम में आ जाए। तो ये ध्यान रखना है कि जो ग्लूट फोर है वो ऐसा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट इंसुलिन पे डिपेंड करता है, बाकी सब नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे, आइडेंटिफाई द सेल्स हुज सिक्रीशन प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम। अब देखो पहले मैं आपको इन सब की बताती हूँ फंक्शंस क्या क्या होते हैं हमारे। तो जो चीफ सेल्स होती हैं हमारी, इनको हम जाइमोजेनिक सेल या पेप्टिक सेल भी बोलते हैं। ये स्टमक में प्रेजेंट होती हैं और पेप्सिनोजेन और काइमोसिन रिलीज करती हैं। दूसरी आती है हमारी ऑक्सेंटिक सेल, ऑक्सेंटिक सेल जिनको हम पेराइटल सेल भी बोलते हैं। ये HCL सिक्रीट करती है और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करती है, तो ऑब्वियसली हमारी लाइनिंग को प्रोटेक्ट तो करेंगी नहीं अगर एसिड खुद ही सिक्रीट कर रही होंगी। तीसरा आता है हमारा गॉबलेट सेल। तो गॉबलेट सेल जो है वो देखो यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथीलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस। तो गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करती हैं, जो सिक्रीशन होते हैं ब्रश बॉर्डर सेल्स के म्यूकोसा के अलॉन्ग विद द सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल्स कॉन्स्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिकस। तो गॉबलेट सेल के जो सिक्रीशन आते हैं, दूसरी तरफ जो ब्रश बॉर्डर सेल है म्यूकोसा उसके सिक्रीशन मिलकर इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं। अब इस जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे डाइसेक्राइड्स, माल्टेज वगैरह, डाइपेप्टिडेजेस, लाइपेसेस, न्यूक्लियोसाइडेसेस, और जो म्यूकस होता है वो बाइकार्बोनेट्स के साथ मिलके जो कि पैनक्रियास से आ रहे हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को एसिड से प्रोटेक्ट करती है और उसको एक एल्कलाइन मीडियम भी देती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गॉबलेट सेल, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दैट इट प्रोटेक्ट्स इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड। अब कुछ सब म्यूकोसल ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम ब्रूनोस ग्लैंड्स बोलते हैं, वो भी इस चीज़ में हमारी हेल्प करती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर इस वाले क्वेश्चन का हो जाएगा गॉबलेट सेल्स, क्योंकि ये दोनों नहीं होंगी, क्योंकि ये जो है साफ साफ एनसीईआरटी में हमारा दिया है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की ट्रैक्ट की जो लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसमें म्यूकस सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन अ लार्जर स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो थोड़े मिक्स हैं। एक तो 12th के दो चैप्टर्स से आए हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और दूसरा है हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है वो। तो इसमें जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें से आया है मेनली ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट ही, जो बायोटेक्नोलॉजी का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है, ठीक है, प्रिंसिपल्स वाला जो है उसमें है ये कि स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स जो होते हैं वो अप्रिशिएबल क्वांटिटीज नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए उनको बड़ी क्वांटिटीज में अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो हमें बायोरिएक्टर्स का डेवलपमेंट करना पड़ा, जहाँ पे हम बड़ा बड़ा बहुत 100 से 1000 लीटर तक के वॉल्यूम के कल्चर जो है प्रोसेस कर सकते हैं। इसलिए बायोरिएक्टर्स जो है वो ऐसे वेसल्स होते हैं जिनमें रॉ मटेरियल जो है उसको हम बायोलॉजिकली कन्वर्ट करते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में या इंडिविजुअल एंजाइम्स में, माइक्रोबियल प्लांट एनिमल या ह्यूमन सेल यूज करके। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो बाकी सब चीजें जो है, बीओडी इंक्यूबेटर जो है हमारा होता क्या है, बीओडी इंक्यूबेटर जो है वो एक लो टेम्परेचर इंक्यूबेटर होता है जिसको 20 डिग्री सेल्सियस पर हम मेंटेन करके रखते हैं, और वो बीओडी डिटर्मिनेशन के लिए काम में आता है। तो ये तो होगा ही नहीं। स्लश डाइजेस्टर जो है हमारा, जब हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें काम में आता है। इंडस्ट्रियल अवन जो है हमारा, वो किसी चीज़ को हम जैसे अगर स्टरलाइज वगैरह कर रहे हैं तो उसमें हमारे काम में आता है। लेकिन बायोरिएक्टर्स ऐसा है जिसमें हम बड़े स्केल पे माइक्रोब्स जो है उन्हें ग्रो कर सकते हैं, किसके लिए? एंजाइम्स के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के। नाउ नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। तो देखो
गोल्डन राइस जो है हमारा, वो भी हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें दे रखा है कि प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स, जीएमओ होते हैं जिनको हम मैनिपुलेशन करके, जिनकी जीन्स को हम ऑल्टर करते हैं। तो कुछ होते हैं जैसे कुछ जो है क्रॉप्स ज़्यादा टॉलरेंट बन जाती हैं एबायोटिक स्ट्रेसेस से, जैसे कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट। इसी में जो हमारा फिफ्थ पार्ट है उसमें लिखा है एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड दैट इज़ विटामिन ए एनरिच्ड राइस। हालांकि इसमें गोल्डन राइस दे नहीं रखा है, लेकिन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मेरा लेक्चर, जब मैंने आपको बताया था विटामिन ए एनरिच्ड राइस जो होता है उसको हम गोल्डन राइस बोलते हैं, तो विटामिन ए एनरिच्ड राइस हो गया, तो ये सही हो गया। दूसरा है हमारा इट इज़ पेस्ट रेजिस्टेंस विद अ जीन फ्रॉम बैसिलस थुरिंजेंसिस। तो अगर आपने लेक्चर अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो ये बैसिलस थुरिंजेंसिस वाली जो जीन है वो है बीटी, जो कि कॉटन में काम में आती है ना कि राइस में, तो ये गलत हो गया। देन इट इज़ ड्रॉट टॉलरेंट डेवलप यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का भी एक उसमें एग्जाम्पल दे रखा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम से, जो हम दूसरी चीज़ को हम ड्रॉट टॉलरेंट बनाते हैं राइस को नहीं, लेग्यूम्स वगैरह जो होते हैं उनको। नाउ नेक्स्ट है इट हैज़ येलो ग्रेन्स बिकॉज ऑफ अ जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम अ प्रिमिटिव वेराइटी ऑफ राइस। अब क्या है इसमें और इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हो, क्योंकि येलो ग्रेन्स होते हैं जो गोल्डन राइस होता है उसके भी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो गोल्डन राइस होता है उसमें हम डैफोडिल से जीन लेके बनाते हैं। उसका मैं थोड़ा सा आपको जो है क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ। इसमें दो जीन्स होती हैं, ठीक है। पहली होती है साई जीन, यानी कि PSY, यानी कि फाइटोइन सिंथेस, ये हम डैफोडिल से लेते हैं। और दूसरी जीन होती है इसमें जो हम काम में लेते हैं वो है CRT1, जिसको हम सॉइल बैक्टीरियम अर्विनिया यूरिडोवोरा से लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपके हो सकता है दूसरे एग्जाम में आ जाए कि इट इज विटामिन ए एनरिच्ड राइस विद अ जीन फ्रॉम अर्विनिया यूरिडोवोरा या फिर फ्रॉम अ सॉइल बैक्टीरियम। अभी तो डेफोडिल आ गया, हो सकता है दोबारा आए जब सॉइल बैक्टीरियम आ जाए। तो ये दो जीन्स हैं जो इसमें काम में आती है, ठीक है। तो किसी प्रिमिटिव वेराइटी ऑफ राइस से हम जीन नहीं लेते हैं, एक डेफोडिल से लेते हैं और एक सॉइल बैक्टीरियम से लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट विटामिन ए एनरिच राइस होता है और उसमें एक जीन कहाँ की होती है, डेफोडिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इनसीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये मैंने अपने लेक्चर में आपको इनसीटू और एक्सीटू कंजर्वेशन जो है वो पढ़ाया था, जब हमने बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला चैप्टर लिया था इकोलॉजी का, ठीक है। तो उसमें ये बताया था मैंने इनसीटू कंजर्वेशन, इसमें एंडेमिज्म और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बता रखे हैं। और इसमें हमने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, सेक्रेट ग्रूव्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इन सब के बारे में भी पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं अभी तक और आपको अगले साल देना है, आपने इस साल नहीं दिया है, तो उन लेक्चर्स को ज़रूर देखना। बहुत सारा पेपर हमारा एनसीईआरटी में से आया, कम से कम बायो तो 90% से ऊपर एनसीईआरटी में से ही आई। तो अगर हर एक लाइन अच्छी तरह से पढ़ोगे, लेक्चर्स देखोगे, तो सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें हमारी बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेक्रेट ग्रूव, ये तीनों प्रेजेंट थी। तो इंस्टीट्यूट में तो ये हो गई। एक्सीट्यूट में हमारे जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन क्या होता है, जब हम वाइल्ड एनिमल्स को उन्हीं की हैबिटेट में कंजर्व करके रखते हैं, उन्हीं की हैबिटेट में उनको बचाते हैं। लेकिन एक्सीट्यूट कंजर्वेशन क्या होता है, जब हम उनको उनकी हैबिटेट से निकाल के एक आर्टिफिशियल हैबिटेट में रख देते हैं, जैसे जू में जाते हो आप लोग, तो वो उनकी नेचुरल हैबिटेट नहीं है, वो उनको जंगल से उठा के और यहाँ पे लाया गया है कंजर्व करने के लिए। तो इस तरह के एग्जांपल्स में आते हैं हमारे एक्सीटू कंजर्वेशन। तो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इनसीटू कंजर्वेशन, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन। तो बोटानिकल गार्डन जो है वो एक्सीटू कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग mRNA। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यह कहीं डायरेक्टली हमारे उसमें नहीं दे रखा है, लेकिन ये बहुत इजी है क्वेश्चन। तो जैसे सपोज करो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको, मैं लिख के समझाती हूँ। ये AAC, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा AGC, फिर आता है GGU, फिर आता है GCU और फिर आता है AUU। ये हमारे हैं। तो हमें पता है कि एक कोडन जो है वो तीन से बनता है हमेशा, तो ये तीन तीन से बन रहा है। अब इसमें लिखा है कि इन चारों में से हम ऐसा क्या करें कि इसके रीडिंग फ्रेम में कोई भी चेंज नहीं आए। तो पहला है हमारा इंसर्शन ऑफ जी एट फिफ्थ पोजीशन। तो ये हमारी 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हमने फिफ्थ पोजीशन पे जी ऐड कर दिया तो इसका क्या बन जाएगा, AAC तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा AGG, फिर उसके बाद ये CGG, उसके बाद UGC, उसके बाद UAU, और एक हमारा बन जाएगा U। तो रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया, तो ये नहीं हो सकता। देन डिलीशन ऑफ G फ्रॉम फिफ्थ पोजीशन, तो ये हटा दो आप। अब हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो G है इसको हमने डिलीट कर दिया तो क्या होगा, तो हमारा वापस से वही बन जाएगा ACG, फिर GUG, फिर CUA और फिर UU बच जाएगा। तो एक अभी भी हमारे कम पड़ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा।
Next, an insertion of A and G at 4th and 5th positions respectively. तो अगर हमने 4th position पे एक extra A डाल दिया और 5th पे G डाल दिया तो क्या होगा? तो AAC तो as it is रहेगा. अब 4th position पे एक A डाला है हमने और 5th position पे एक G डाला है. तो AGA बन जाएगा एक. फिर उसके बाद क्या बन जाएगा हमारा? GCG, फिर GUG, फिर CUA और फिर वापस से UU. यानी कि वापस से बच गया हमारा, तो ये भी गलत हो जाएगा. फिर है डिलीशन ऑफ जी जी यू फ्रॉम 7th, 8th and 9th पोजीशन. अब इसमें लिखा है कि ये जो 7th, 8th, 9th पोजीशन है, इसमें से हमने अगर जी जी यू को हटा दिया तो रीडिंग फ्रेम में कोई चेंज नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ए ए सी, ए जी सी, जी सी यू और ए यू यू सेम बने रहेंगे. किसी भी कोडोन की जो रीडिंग है उसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4th. ये करके देखने वाला था, इसलिए हम इसको बाद में भी कर सकते हैं. अगर आपके स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आया है तो आप इसको बाद के लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग है. पहले बाकी क्वेश्चंस कर लें जिसकी टाइम कम लग रहा है. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिलीशन ऑफ जी जी यू फ्रॉम 7th, 8th and 9th पोजिशंस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट. तो जो एनवायरमेंटल इश्यूज वाला चैप्टर है हमारा इकोलॉजी का, उसमें ये बात लिखी हुई है. न्यूक्लियर वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट के नाम से जो हेडिंग दे रखी है उसमें ये लिखा हुआ है. इट हैज बीन रिकमेंडेड दैट स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट आफ्टर सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट शुड बी डन इन सुटेबली शील्डेड कंटेनर्स बरिड विद इन द रॉक्स अबाउट 500 मीटर्स डीप बिलो द अर्थ सर्फेस. तो इसमें कहाँ क्या क्या लिखा हुआ? शूट द वेस्ट इनटू स्पेस, नहीं. बरी द वेस्ट अंडर एंटार्क्टिक आइस कवर, आइस का कहीं मेंशन नहीं है. डम द वेस्ट विद इन रॉक्स अंडर डीप ओशियन, ओशियन का भी नहीं है. देन बरी द वेस्ट विद इन रॉक्स डीप बिलो द अर्थ सरफेस. अगर सपोज करो इसकी जगह कुछ और दे रखा होता तो हम फिर डीप ओशियन लिख देते, क्योंकि रॉक्स के अंदर जा रहा है. लेकिन ओशियन में भी नहीं करना है, अर्थ सरफेस में हमें करना है. क्योंकि ओशियन में भी क्या है, अगर हमने डीप ओशियन में भी डाल दिया तो पानी तो रहेगा ही ना वहाँ नीचे, तो वो कंटामिनेट हो जाएगा. इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत है हमारा. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये, हमें जो वेस्ट है उसको रॉक्स के अंदर बरी करना है और अर्थ की सरफेस में 500 मीटर नीचे तक उसको जो है डिस्पोज करना है. ठीक है, नेक्स्ट. मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस. तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है उसमें से आया है. तो लैक्टोबैसिलस हमें पता है कर्ड बनाने के काम में आता है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ. माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कोहल्स एंड एंजाइम्स. तो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. एस्परजिलस नाइगर जो है, जो कि एक फंगस है, वो सिट्रिक एसिड बनाता है. एसिडोबैक्टर एसिटाई जो है वो एसिटिक एसिड बनाता है. क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइसलाइसम जो है वो एक बैक्टीरिया है, वो ब्यूटायरिक एसिड बनाता है. और लैक्टोबैसिलस जो है वो लैक्टिक एसिड बनाता है. तो तीन तो हमारे इसी में से आ गए. लैक्टोबैसिलस जो है वो लैक्टोबैसिलाई बनाता है, यानी कि कर्ड में हेल्प करता है. फिर एस्परजिलस नाइगर आ गया हमारा, वो किस में करता है हमें हेल्प? वो करता है हमें सिट्रिक एसिड. और एसिडोबैक्टर एसिटाई जो है वो एसिटिक एसिड. अब बचा हमारा सैक्रोमाइसिस सेरेविसे. तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसे चीज बनाएगा या ब्रेड बनाएगा ये देखना है. तो पहले बाकी हम मैच कर लेते हैं. हमारे ए का होगा हमारा सेकंड, तो सेकंड तीन में दे रखा है. सी का होगा हमारा थर्ड, तो ए का सेकंड और सी का थर्ड इसमें दे रखा है और इसमें भी दे रखा है. और हमारा फोर्थ का जो है वो है फिफ्थ, यानी कि इन दोनों में. अब यही कन्फ्यूजन यहाँ पे दे रखी है, फोर्थ और फर्स्ट, यानी कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसे जो है वो चीज बनाने के काम में आएगा या ब्रेड. तो ये भी आपका जो है सॉल्व हो सकता है आराम से. ये देखो, माइक्रोब्स स्पेशली यीस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम. फॉर दिस पर्पज द सेम यीस्ट दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसे यूज फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड एज ब्रूअर्स यीस्ट इज यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल. तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसे जो है वो ब्रेड मेकिंग में भी काम में आता है और उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रूअर्स यीस्ट. तो ये आ गया हमारा कि सैक्रोमाइसिस किस में काम में आएगा? हमारे ब्रेड में. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड. ठीक है, जो हमारा लैक्टोबैसिलस है वो कर्ड हो गया, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे जो है ब्रेड, एस्परजिलस नाइगर जो है वो सिट्रिक एसिड और एसिडोबैक्टर एसिटाई क्या हो गया हमारा? एसिटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट मैप यूनिट दैट इज सेंटिमोगन इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप्स. ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के स्कोप से बाहर था, तो इसीलिए इसमें एनसीईआरटी का कोई लेना देना नहीं है. लेकिन इसका आंसर जो है वो ये होगा, अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोजोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसओवर. तो मैप यूनिट जो सेंटिमोगन है, जब हम जेनेटिक मैप्स क्रिएट करते हैं तो कौन सी मैप यूनिट हम यूज करते हैं? तो सेंटिमोर्गन यूज करते हैं. और उसका मतलब क्या होता है? ये जो डिस्टेंस होता है हमारे जीन्स के बीच में, क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स होती है उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है जिसमें 1% क्रॉसओवर को रिप्रेजेंट करता है, वो होती है हमारी मैप यूनिट, जो हम जेनेटिक मैप्स बनाने के काम में लेते हैं. ठीक है,
तो ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि इसमें सिर्फ सब चीज़ सेम है, सिर्फ जो क्रॉसओवर है वो अलग अलग बताया गया है, तो 1% क्रॉसओवर वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट दी हॉर्मोन रिलीजिंग IUDs। तो ये हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है यानी कि आपकी 12th बायोलॉजी का जो 4th चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन आया है। तो इसमें IUDs बता रखी हैं, बहुत सारे हमारे मेथड्स बता रखे हैं, नेचुरल मेथड्स हैं, बैरियर मेथड्स हैं, हॉर्मोनल मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स बता रखे हैं। तो इंट्रायूटराइन डिवाइसेस जो हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है नॉन मेडिकेटेड IUDs, जिसका एग्जांपल है लिपस लूप। तो नॉन मेडिकेटेड हो गई तो लिपस लूप वाला हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉपर रिलीजिंग IUDs यानी कि कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। तो मल्टीलोड 375 आ रहा है इसमें भी और इसमें भी, तो इसको भी हटा देंगे। एंड हार्मोन रिलीजिंग IUDs दैट इज प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20। तो प्रोजेस्टासर्ट और LNG20 साफ साफ, वॉल्ट्स कहीं दे नहीं रखा है। वॉल्ट्स जो है वो हमारे IUDs की बजाय दूसरी चीजें होती है जो हमारे IUDs के अंदर नहीं आता है वॉल्ट्स, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया और साफ साफ इसमें तो बहुत ही इजी दे रखा है प्रोजेस्टासर्ट और LNG20 जो है वो हार्मोन रिलीजिंग IUDs है। तो ये बात ध्यान रखनी है जब भी ऐसे इस तरह का क्लासिफिकेशन आ रहा है IUDs में, तीन तरह के आ गए नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग, तो उनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। चाहे तीन याद नहीं रहे, दो याद रख लो, कुछ भी है, दो तीन ही होते हैं वैसे। जैसे इसका तो एक ही है लिपस लूप, फिर कॉपर वाले का तीन है जिसमें कॉपर टी और कॉपर 7 एक जैसे ही हो गए, तो वो कॉपर रिलीजिंग हो गया, हार्मोन रिलीज नहीं करेंगे। तो इस चीज़ से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। ये क्वेश्चन फिर से माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर से आया है जो कि 8th चैप्टर है हमारा 12th का। सो इसमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है एजेंट जो कि बायो कंट्रोल एजेंट की तरह हम काम में ले सकते हैं प्लांट डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए। तो साफ साफ लाइन लिखी हुई है, बायो कंट्रोल एजेंट बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इन द फंगस ट्राइकोडर्मा। तो ये फंगस है ट्राइकोडर्मा जो कि प्लांट डिजीजेस के ट्रीटमेंट में बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम में आता है, फ्री लिविंग होती है और रूट इकोसिस्टम्स में सबसे ज्यादा पाई जाती है। बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस के लिए इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्राइकोडर्मा। दो क्वेश्चंस आए हैं कल आपके एग्जाम्स में बायो कंट्रोल एजेंट को लेके, एक ये है एक और दूसरा भी है, वो भी मैं लूंगी आगे आने वाले चैप्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स रेफर टू। तो हमारा जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाला पार्ट है ना हमारे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, उससे उठाया गया है ये क्वेश्चन। तो उसमें मेथोडोलॉजीज बता रखी है आपकी, दो मेथड्स हैं। एक है इट इज फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA, रेफर्ड टू एज ESTs और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। तो ऐसी जीन्स जो कि RNA की तरह एक्सप्रेस करती हैं खुद को, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। तो ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, ब्लाइंड अप्रोच है। हम सिंपली पूरे सेट ऑफ जीनोम को जो है सीक्वेंस करेंगे जिसमें सारे कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस आ रहे हैं, और उसके बाद में हम उन सीक्वेंसेस को जो है उनके डिफरेंट रीजन्स को फंक्शंस अलॉट करेंगे। इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। तो हो सकता है आपके नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्स है उसमें सीक्वेंस एनोटेशन पे क्वेश्चन आ जाए, ESTs पे तो अब शायद नहीं आएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस एनोटेशन भी एक तरीका है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, एक मेथड है ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने का। सो ESTs क्या हो गई, जीन्स विच आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। सो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कोलोस्ट्रम द येलोविश फ्लूइड सिक्रीटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज वेरी एसेंशियल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स बिकॉज इट कंटेन्स। अब कोलोस्ट्रम जो है आपने रेडियो पे, टीवी पे एड्स भी देखे होंगे, सुना भी होगा कि जो पहला गाढ़ा दूध होता है वो बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो न्यूबॉर्न इन्फेंट होता है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और इम्यूनिटी हमारी किससे आती है, NK सेल्स से, मोनोसाइट से, मैक्रोफेजिस से, या फिर एंटीबॉडीज से यानी कि इम्यूनोग्लोबिन ए से। ऑब्वियसली जो एंटीबॉडीज है हमारी उनसे हमारी इम्यूनिटी मिलेगी। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया हमारा, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है 12th क्लास का, उसमें से। तो उसमें पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन वाला जो पार्ट है उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो मैंने आपको पढ़ाया भी था अपने लेक्चर में, द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज। और हमें पता है कि एंटीबॉडीज को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन AGE, तो ये सब हमारी एंटीबॉडीज ही होती हैं। तो इसलिए डायरेक्टली एंटीबॉडीज ना देके आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन ए दिया है। तो आंसर इसका यही होगा, क्योंकि जो कोलोस्ट्रम होता है उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, और न्यूबॉर्न इन्फेंट ऑब्वियसली उसमें पूरी तरह से हर चीज़ डेवलप नहीं होती है। तो इनिशियली अगर कोई इन्फेक्शन उसको लग जाता है तो वो कोलोस्ट्रम में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है वही उस इन्फेक्शन से फाइट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन ब्रीडिंग को लेके है। अब आपको ध्यान होगा तो जो इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ये हमने कहाँ पढ़ी है, ये हमने पढ़ी है स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जो 9th चैप्टर है आपकी 12th बायो का, उसमें।
तो उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है इन ब्रीडिंग पे, उसमें लिखा है इन ब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट, देखो इनकरेक्ट पूछा, ये बात ध्यान रखनी है, करेक्ट नहीं, करेक्ट पूछा होता तो पहले स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता ना। तो इन ब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ दस इन ब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ वी वॉन्ट टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनी एनिमल। तो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करता है, इसलिए अगर हमें प्योर लाइन बनानी है किसी एनिमल में, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं करना है, सपोज करो एक बहुत अच्छी गाय या एक बहुत अच्छी बफलो है हमारे पास, उसमें खूब सारा फैट भरा दूध मिलता है और हमें उसको कंटिन्यू करना है उसकी प्योर लाइन को, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, तो हम इनब्रीडिंग कराएंगे उसकी। तो इनब्रीडिंग इज असेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन्स इन एनी एनिमल, तो ये भी करेक्ट हो गया। अब तीसरा हमारा जो है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन। तो जो हमारी सुपीरियर जीन्स होती हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं और अनडिजायरेबल जीन्स जो हैं वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फोर्थ हमारा सेंटेंस ये है, इनब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स। Therefore, this approach, where there is selection at each step, increases the productivity of inbred population. इसलिए inbred population की productivity बढ़ा देता है। लेकिन क्या होता है? Continued inbreeding, especially close one, usually reduces fertility and even productivity. And this is called inbreeding depression. तो यही आ गया। Inbreeding selects harmful recessive genes that reduce fertility and productivity. तो यहाँ पे हमारा दे रखा है, inbreeding exposes harmful recessive genes that are eliminated by selection. तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इनब्रीडिंग सेलेक्ट्स हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो वो सेलेक्ट नहीं करता है, वो एक्सपोज करता है हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को, जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, सिर्फ एक वर्ड जो है आपका वो गलत लिखा हुआ, और इसकी वजह से पूरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सेलेक्शन, इसमें लिखा है इनब्रीडिंग सेलेक्ट्स हार्मफुल रिसेसिव जीन्स, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम कंटिन्यूड इनब्रीडिंग कराते हैं तो उससे भी हमारी प्रॉब्लम आ जाती है, फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है, जिसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपका पार्ट बता रखा है उसमें से एक क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली एक हमारा पूरा पैराग्राफ दे रखा है कि कैसे कैसे हमारे स्पर्म जो है वो ट्रैवल करते हैं। तो मैं आपको इसका पूरा पैराग्राफ ही दिखा देती हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। So, देखो, the male sex accessory ducts include retrotestis, vasa afferentia, epididymis and vas deferens. तो ये चार accessory ducts होती हैं हमारे male reproductive system में। तो पहला है हमारा seminiferous tubule आ गया, देखो। It opens into vasa afferentia through retrotestis. तो हमारी seminiferous tubules किस में open होती है? Vasa afferentia में retrotestis के through. तो सबसे पहले आ गया seminiferous tubule, उसके बाद आ गया retrotestis और फिर आ गया हमारा vasa afferentia. Now the vasa afferentia leave the testis and open into epididymis. उसके बाद vasa afferentia जो है वो जाके epididymis में open up हो जाती है. Now the epididymis they leads to vas deferens that ascends to abdomen and loop over the urinary bladder. अब epididymis क्या करता है? Vas deferens तक जाता है. Vas deferens पे जाके वो नीचे abdomen, ऊपर abdomen पे जाता है और urinary bladder जो है उस पर loop over कर जाता है. वहाँ से एक seminal vesicle जो है वहाँ से एक duct आती है इसके अंदर और ये जाके urethra में open हो जाता है. किसकी तरह? Ejaculatory duct की तरह. Now these ducts store and transport the sperms from the testis to the outside through urethra. अब ये ducts क्या है? Store करके रखती हैं sperms को, transport भी करती हैं testis से बाहर की तरफ urethra के through. यूरेथ्रा जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है और पीनिस के थ्रू एक्सटेंड करके बाहर की ओपनिंग पे जाता है, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस। तो अब ये वाली हमें चीज़ देखनी है कि किस ऑप्शन में है। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटेटेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमस। इतने में ही हमें अपना आंसर मिल जाएगा। सो सबसे पहला आ रहा है हमारा ये आ गया टेस्टिस, तो ये तो गलत ही हो गया। दूसरा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटेटेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमस, फिर वास डेफरेंस, फिर इजैक्युलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मिएटस। ये सही लग रहा है तो इसको साइड में कर लेते हैं। नेक्स्ट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, इंग्वाइनल कैनाल एंड यूरेथ्रा। तो इंग्वाइनल कैनाल का कहीं मेंशन ही नहीं है और वैसे भी वासा एफरेंशिया से पहले रेटेटेस्टिस आता है, तो ये भी गलत हो गया। और इसमें तो स्टार्टिंग ही टेस्टिस है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा ये वाला आंसर जो एकदम सही हो गया, पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटेटेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमस, फिर वास डेफरेंस, फिर इजैक्युलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रल मिएटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अ जीन लोकस हैज टू अलील्स, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो एक जीन लोकस में दो अलील है, एक ए है और एक स्मॉल ए है। अब फ्रीक्वेंसी जो डोमिनेंट अलील की है वो है 0.4, तो हम टोटल फ्रीक्वेंसी मान के चलते हैं 1, तो यानी कि इसकी कितनी हो गई 0.6, देनी रखी है ये हमें अज्यूम करनी है। तो अब जो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा यानी कि डबल ए, हिटरोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल यानी कि ये वाला
और ये वाला, इनके फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी पॉपुलेशन में? बहुत इजी क्वेश्चन है. अगर हम इसको क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास क्या आता है बनके, ए और ए. यहाँ पे हमारा ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव और ये हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल आ गए हमारे पास दो. तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डबल ए है, यानी कि 0.4 इंटू 0.4, तो 4 जहाँ हमारा कितना हो जाएगा 16, यानी कि 0.16. तो अब ए ए में हमें 0.16 देखना है, तो ये वाला तो गया, इन तीनों में हमारा 0.16 दे रखा है. उसके बाद आते हैं हमारे ए ए वाले, हमारे दो इंडिविजुअल हैं स्मॉल ए और कैपिटल ए वाले. तो स्मॉल ए का कितना है हमारी फ्रीक्वेंसी 0.6 और कैपिटल ए की 0.4, यानी कि 6 4 = 24. और ऐसे दो इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास, इसलिए 24 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 48. तो 0.48 जिसमें है वो हम ले लेंगे. तो 0.48 हमारे एक में ही आ रहा है. 0.24 वाला कई लोगों ने टिक किया होगा, जो कि गलत है, क्योंकि ए ए वाले हमारे पास दो इंडिविजुअल हैं, इसलिए हमें 0.24 को 2 से इंटू करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा. और जब डबल ए आएगा तो 0.6 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा हमारा 0.36. तो ये आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट, यानी कि 0.16 जो है वो डबल ए कैपिटल, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी रहेगी, 0.48 जो है वो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स की रहेगी, और 0.36 जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स. इस वाले एरिया में हमें अपने ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं और इसमें उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं जिससे हमें उन्हें मैच करना है. तो पाइला जो है, अगर आपको ध्यान हो तो मोलस्का ग्रुप का होता है ये, ठीक है. तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है. सबसे पहले हम देखते हैं पाइला का, तो ये देखो मोलस्का ग्रुप में सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम ग्रुप है, इसका हमें कुछ नहीं करना है. यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है रेड्यूला, तो ये फाइल लाइक ऑर्गन होता है, रेस्पिंग ऑर्गन होता है फीडिंग के लिए, जो कि रेड्यूला जो कि प्रेजेंट होता है इनमें. तो ये हमारा क्या दे रखा है, इनका फीडिंग ऑर्गन. तो पाइला का फीडिंग ऑर्गन क्या हो गया हमारा, रेड्यूला. नेक्स्ट आता है हमारा बॉम्बिक्स. बॉम्बिक्स जो है वो हमारे आर्थ्रोपोडा की क्लास से बिलोंग करता है, जिसको हम सिल्क वर्म बोलते हैं. वो मैंने आपसे जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था, जब मैंने बोला भी था कि एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, बहुत काम आएंगे, इनके साइंटिफिक और कॉमन नेम्स दोनों ध्यान रखने हैं. और देख लो साइंटिफिक नाम से ही आ गया, अब सिल्क वर्म आ जाता तो फिर भी आप लोगों को याद आ जाता, और किसी ने अगर एग्जाम्पल नहीं पढ़े तो उसे बॉम्बिक्स का मतलब समझ में ही नहीं आएगा. तो बॉम्बिक्स में जो एक्सक्रीशन है वो किससे हो रहा है, यहाँ मालफीजन ट्यूब्यूल्स. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो कल के एग्जाम में आए हैं वो सब इस तरह के आए हैं जो कि हाइलाइटेड थे, जैसे सेकंड लार्जेस्ट है, हेड मस्कुलर फुट, विसरल हम, हेड, थोरेक्स, लार्जेस्ट फाइलम या रेड्यूला या हमारे मालफीजन ट्यूब्यूल्स. तो इस तरह से जो हाइलाइटेड चीज़ें थी उस पर ही क्वेश्चन बनाए गए, तो इसलिए और भी ईजी हो गया कल का पेपर. तो बॉम्बिक्स से क्या मैच करेगा हमारा, मालफीजन ट्यूब्यूल्स. देन आता है हमारा प्लूरोब्रैकिया. तो प्लूरोब्रैकिया जो है वो एक टीनोफोर है, ठीक है, जिनको हम सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेलीज बोलते हैं. तो उनमें क्या होती है, 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं कॉम्ब प्लेट्स की, ठीक है. ये देखो प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना, ये दोनों इसके एग्जांपल हैं. तो यहाँ पे आ गया हमारा कॉम्ब प्लेट्स प्लूरोब्रैकिया से. और टीनिया सोलियम हम सबको पता है क्या होता है, प्लेटी हेलमिंथस, फ्लैट वर्म्स जो होते हैं वो. ये देखो टीनिया, टेप वर्म जो होता है वो. तो इसमें क्या है, हमारी फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है, स्पेशल सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. तो टीनिया के साथ हमारा क्या जुड़ जाएगा, फ्लेम सेल. तो फर्स्ट जो है हमारा पायला, उसका हो जाएगा थर्ड, देन बॉम्बिक्स का फोर्थ, देन सेकंड एंड देन वन. तो 3 4 2 1. अब ये देखो 3 4 2 1 किस में, हमारे सेकंड वाले ऑप्शन में. तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ अ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम आर रेफर्ड टू एज. तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम क्या होता है, इस तरह का दिखता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम. दो लंबी आर्म्स होती हैं और दो छोटी आर्म्स. तो जो शॉर्टर और लॉन्गर आर्म्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एस एल एल आर्म, पी एंड क्यू आर्म, क्यू एंड पी आर्म या फिर एम एंड एन आर्म. तो पी और क्यू आर्म बोलते हैं, जो छोटी आर्म होती है उसको हम पी आर्म बोलते हैं. पी का मतलब होता है पेटेट, और पेटेट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल. और दूसरा जो है वो है क्यू आर्म, क्यू का है जो मीनिंग है वो क्यू ही है, जैसे लंबी लाइन जो होती है, टेल जो होती है, वो चीज़ हो गई. तो इसीलिए जो पी आर्म है वो होती है छोटी आर्म, और क्यू आर्म जो है वो होती है इसकी जो लॉन्ग आर्म होती है वो. तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स का नाम हम पी और क्यू आर्म बोलते हैं, ठीक है. तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट जिसने हमने 20 क्वेश्चंस देखे. और भी मैं पार्ट जो है आपके लिए रोज अपलोड करूंगी, जिसमें हम 20 20 20 20 क्वेश्चंस करके और हमारे पूरे 90 क्वेश्चंस जो है वो
खत्म हो जाएंगे और आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। कौन से चैप्टर में से आया वो भी मैंने आपको बता दिया है, कौन से आपके स्टैंडर्ड में से आया, इलेवंथ और ट्वेल्थ में से। मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चंस आए थे वो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में से आया था, वो भी काफ़ी इजी। जैसे कई चैप्टर्स ऐसे थे जो काफ़ी ही लिए, जैसे प्रोडक्शन वाली यूनिट जो है उसमें से कुछ क्वेश्चन आए हैं, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर जो है उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, बायोटेक्नोलॉजी में से भी एक दो क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं रखा कि कोई पर्टिकुलर, इकोलॉजी में से भी आपके तीन चार क्वेश्चन आए हैं। तो यह है कि पूरा ओवरऑल आपको कवर करना पड़ेगा जब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर अच्छी तरह से एनसीईआरटीज पढ़ोगे और मेरे लेक्चर्स को रेफर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और आपके आराम से मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको कि अगर आप अच्छी तरह से पढ़ोगे एनसीईआरटी तो आपके आराम से 340 प्लस नंबर आ सकते हैं बायो में। दो साल से जैसा पेपर आ रहा है, पिछली बार भी इजी आया था और इस बार तो बेहद इजी पेपर आया है बायो को लेकर। तो कम से कम तीन चार क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ द सिलेबस थे, लेकिन अगर हम तीन चार क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं 90 में से, अगर हम 80 क्वेश्चंस भी अटेंड करते हैं और वो हमारे सही होते हैं, तो आप सोच सकते हो आपके कितने नंबर आ सकते हैं। ठीक है, सो मैं होप करती हूँ आपको सारे एक्सप्लेनेशंस जो है वो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, इन चारों जगह पर मुझे फॉलो कर सकते हो। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताओगे कि आप लोगों को इसकी PDF चाहिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी अपनी वेबसाइट पर, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा। मैं हाईलाइटेड आंसर्स के साथ आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग नहीं बताओगे तो फिर मैं नहीं प्रोवाइड करवा पाऊंगी। इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर अपना जो है ओपिनियन देना कि आपको इसकी PDF चाहिए या नहीं, क्योंकि आंसर क्वेश्चन के साथ आंसर्स और एक्सप्लेनेशन सब एक साथ मिल जाएंगे तो अच्छा रहे। सो ये थे हमारे फर्स्ट 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस मैं कल लेके आऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।